अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कहना डारी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गेस व्हाट, हम कहाँ पर आए हैं अभी? अरे कहना क्या चाहते हो? आगे चल के देखते हैं, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जिसने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हुआ होगा उसको तो पता चल गया होगा। अभी हम लोग आए हैं ओल्ड हाउस में। रोते ही सबसे पहले ऑफिस में जाके पहले परमिशन लेनी पड़ती है। इनके काफ़ी अच्छे हैं ओनर ना, मतलब वैल्यू देने वाले हैं। तो पहले वहाँ पे बैठे, उन्होंने जूस वगैरह मंगवाया, बड़ी शौखे होकर जूस वगैरह पिया हम लोगों ने। उन्होंने भी यही बोला कि भई हम लोग बाकी फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कर देते हैं, मगर इन्हें कंपनी की ज़रूरत होती है कि कोई इनके साथ बैठ के बातें वगैरह करे ना। खैर, हम केक लेके गए थे वहाँ पर। हम लोगों ने केक वगैरह कट किया, उन्होंने मतलब दो केक थे हम लोगों के पास, सबको इकट्ठा किया। सारे बहुत मतलब खुश थे और बहुत अच्छा लगता है इन्हें देख के इस तरह से ना। खैर, हमने केक कट किया वहाँ पर। सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी और सब काफ़ी खुश थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर है तो बाकी फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट या फिर जो उनके ऑनर हैं वो प्रोवाइड करते हैं। मगर इनके साथ टाइम गुजारना, और क्योंकि जब इंसान मतलब एज ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो चाहता है कि बस उसके साथ कोई बैठा रहे, उनकी पुरानी बातें सुने। अब मेरे फादर मदर हैं ना, तो मेरे फादर भी इस तरह से उनके पास बैठो तो वो इतनी पुरानी पुरानी अपनी बातें बताते हैं, हम ऐसे करते थे ऐसे करते थे। खैर, खाने पीने के बाद इन सब ने दुआ की, मतलब क्या कहते हैं उसको, बाजुमात दुआ करवाई और काफ़ी हम लोगों के लिए दुआएं वगैरह की। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इन लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा मतलब दिल को छू जाने वाली होती हैं। चलो भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ खैरियत और वाफियत से हो चुका है, अब हम फ्री हो गए हैं। सब काफ़ी खुश थे और जिस टाइम हम लोग बाहर निकलने लगे तो एक अंकल हमें देख के रोने लग गए। तो ज़्यादा मैं नहीं था इसलिए मैंने शूट नहीं किया ज़्यादा, कि कहीं उनको ये ना लगे कि यार ये सिर्फ अपने शूट करने के लिए यहाँ पर आई और इन्हें हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वो एक होता है ना। लेकिन भाई, दिलों के हाल तो अल्लाह ताला बखूब जानते हैं कि इंसान के दिल में क्या है। तो ये जस्ट मैं इस वजह से इस तरह का कुछ अपलोड कर देती हूँ। मुझे पता है आप लोगों के कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे, लेकिन देखें देख के अगर किसी का दिल कर जाए तो फिर अच्छा है ना। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। खैर, वहाँ से फ्री हो गए थे, हम वापस जा रहे थे। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, काफ़ी मेरी आस पास की जो असलियाँ पसलियाँ थी वो सारी आपस में मिक्स हो चुकी थी। खैर, उसके बाद हम लोग घर गए, काफ़ी अच्छा हम लोगों का टाइम गुजरा। अल्लाह ताला उनको खुश रखें और उनके घर वालों को भी हिदायत दें। दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरा लास्ट वाला व्लॉग देख लीजिएगा याद से। अल्लाह हाफिज़।